travel insurance. And Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. एक बार फिर बजाओ। आजकल लोग बड़ा घुमा फिरा के बात करते हैं यार, साफ साफ बात कोई करता ही नहीं है, इसलिए बउआ ने एक भाई साहब से करी साफ साफ बात और मजे लिए उनके। कैसे जड़े सुनिए ऐसे। हेलो सॉरी, मैंने आपको निद्रा तो भंग नहीं की मैंने आपकी? आप बोल रहे हैं? चलो मेरे से आते तो पीछे कोई भंग कट रहा है। चिल्ला, कौन है पीछे? नमस्कार, कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा था। बोलो। 2 मिनट चाहिए। किसकी? किसकी नहीं, क्यों चाहिए पूछते किसकी? अच्छा, क्यों? मैं कह रहा था ऋषि केस में बहती गंगा, हाँ, चलने के बाद जो चालते हैं उसके बाद जो आटा निकलता है वो। अच्छा, दिवाली के टाइम हमारा घर एक से। सॉरी, हेलो अनुपम खेड का सर? ओ गलत आदमी है। कौन? अनुपम खेर? नहीं, आप ऋषि केस में बहती गंगा आप पूरा सुन नहीं रहे। दिवाली पे हमारा घर। ओ मैं दिवाली के पटाखे भी होते हैं, गोला बम डाल दूंगा उसमें। ऐसे गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा तो पता है, बात बोल रहा है आदि, पता है डाल रहा है। एक सेकंड, देखो मैं एकदम साफ बात करता हूँ, आप गलत मत बोलिए। कैसे साफ बात कर रहा है? ये सारी साफ बातें जो है अनुपम खेर जी का सर, ऋषि केस की गंगा, एकदम साफ बात। ये साफ है, सही है। अच्छा ना, मजा आया ना? चल बिल्कुल, बहुत मजा आया। दिवाली के बाद अपना घर, मतलब दिवाली की सफाई होती है। तुषार कपूर की पिक्चर में थिएटर, वो भी साफ होता है। हेमा जी जो आड़ो बेचती है उससे निकला हुआ पानी। और तेरी मतलब वो कैसे साफ कर दिया कर? कुत्ते के बैठने की जगह वो कैसे? वो भी साफ करके बैठता है। तू भी कर लिया कर? आलिया भट्ट का दिमाग। क्या दिमाग उसका? बैरागी जी का चरित्र। अब ये कौन है बैरागी? नंद किशोर बैरागी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बैरागी जी के मैं दे दूंगा। गलत बोल रहे हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं? इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम है टर्बुलेंस वाधवा। आपका नाम टर्बुलेंस वाधवा है? और इसके बाप का नाम होगा साफ बात कर लूंगा दोनों की आगे। गलत आदमी। हेलो, साफ साफ बात, ठीक है। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning number one man on the run. Morning number one man on the run. Morning number one man on the run. Morning number one man. एक बार फिर बजा। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर बउआ के साथ मैं रौनक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसा बोला जाता है। कैसे साबित भी किया जा सकता है। मैंने एक लेडीज को फोन मिलाया था। गुड मॉर्निंग, जय सुनिए। हेलो, हेलो, कौन? हाय। हेलो, कभी कभी मैं डुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडी बउआ जी, सॉरी बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। I don't know you, sorry. Nahi, hello, meri baat. Don't delete it, please tell me. I need it, meri baat. Hey, aap phone kaat rahi hain, main bahua bol raha hu. Aap please agar aise baar baar phone karenge to main fir aapki complaint. Complaint nahi, please. Medical student chali gayi hai. Aapki koi girlfriend bhi thi? मतलब का आपका? तूने कुछ किया होगा? मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है ना, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता खोज के खा सके आदमी। अच्छा। देखा, तुमको ऐसी आदी उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी जाएगी ना। जाए तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी हुई बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा, उसको कभी बाहर ही नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड, फिर क्यों गई छोड़ कर? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी मानेगी। बुढ़ा माने, लड़की को बाहर ही तो घूमना। हाँ, बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ, मेरी जिंदगी में घुमाई तुम तो। सिर्फ
तो जैसे लड़ी हो तो अच्छा वो छोड़ के लड़की ने लड़की जल्दी बर्बाद हो जाती है। बर्बाद हो जाती है। अच्छा मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मैंने कहा था जो कोई नहीं है। अच्छा कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? मैं भी वही किया। मैं उसके घर गया लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग जाएंगे उसका मन लगा देगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गई हो। बहुत अच्छा ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू भगवान पर बात करने का प्लान। मेरी बात सुनिए आप। इंडियाज नंबर वन आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfmindia.in। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस एंड रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर वन शो विद इंडियाज नंबर वन आरजे एक बार फिर बजाओ। गर्लफ्रेंड वाली बात पर किसी ने बउआ को या बउआ के पुराने जख्म को हरा कर दिया। और मैंने गर्लफ्रेंड वाली बात पे ही एक भाई साहब के मजे ले लिए। कैसे? कैसे? ऐसे ऐसे सुनिए। हेलो नमस्ते। हेलो 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 अबे कितना हेलो हेलो करेगा, एक चार का मारूंगा। कौन बोल रहा है? सॉरी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। नमस्ते अंकल। सॉरी नहीं, मेरे बाप तो ही अंकल ना यार। कम ऑन यार, एक मिनट दे दो ना यार। मेरे को एक से हेलो मेरे को हेलो अबे हेलो मेरे को ना एक चोट चाहिए। अभी नहीं सुना तो मैं फोन बता। मेरे को चोट चाहिए, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है और मैं डूब सकता हूँ। एक से और वो भी क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भावना है। अबे हेलो, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, फोन कट जाए। मुझे चोट चाहिए क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। अबे तो बावली एक से मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भावना है ना। अबे तू क्या भाई साहब, मैं चोर ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। और भाई मुझे पता है, हाँ तेरी गर्लफ्रेंड का नाम भावना है, आगे बस। वाओ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ, मुझे कनेक्शन क्या है इसमें। क्या कनेक्शन? एक सेकंड में बता रहा हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भावना है। अक्सर मैं भावना में बह जाता हूँ। सुनिए, भावनाओं में बहने के कारण बहाव ज्यादा होगा तो हो सकता है मैं डूब भी जाऊँ। और डूबते को तिनके का सहारा होता है और तिनका चोट की दाढ़ी में होता है, इसलिए मुझे दाढ़ी चाहिए, आई मीन चोट चाहिए। मैं तो भाई बस करो, गलत मत बोलो, है ना कनेक्शन की नहीं बताइए। बस कर लड़की है भावना चोट डूबना तिनका साले, ये सब की भावना घुसेड़ के ना तेरे अंदर दे। बस कर, नहीं पसंद तो रख दे। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस एंड रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर वन शो विद इंडियाज नंबर वन आरजे एक बार फिर बजाओ। बेतु के सवालों से हर इंसान परेशान हो सकता है, होता है, ये मैंने प्रूव किया है। कैसे? बउआ सुनाएगा ऐसे। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? नमस्कार अंकल, फोन से बउआ बोल रहा हूँ। क्या नंबर है आपका? 9। हेलो, मेरे पास है ना, तभी डायल किया है ना मैंने। तो साले पूछ क्यों रहा है? पूछ और बता भी रहे हैं आप। हेलो, पूछा तो बताओ ना। सुनिए, हाँ जी, हम लोग एक कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं जिसमें आपको एक बजट राउंड खेलने का मौका मिलेगा। अच्छा। फटाफट सवाल पूछा जाएगा, अगर आपको
जवाब नहीं आता तो बजट दब जाएगा। पैसे पूछे सुने लोगे? पैसे पूछे कुछ नहीं लेंगे लूंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं तो एक दबाएं। ना हो तो फिर मैं एक दबा दूंगा, मेरे पास भी एक है ना। ये लो। अबे ओ पागल। सॉरी, कॉन्टेस्ट खेलने बजट राउंड। ठीक है। पहला सवाल, अगर हम बंदर से इंसान बने हैं, हाँ बने हैं, तो जो बाकी बंदर बचे हैं वो क्या है? यार कोई नहीं, अगला सवाल, अगर आप जब छींकते हैं अच्छे तो आप गॉड ब्लेस यू बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। अगर भगवान को छींका है तो वो क्या बोलेंगे? यार ये भी नहीं बताओ। ओके बजट। अगर भूत, बस है भूत, बस है भूत, हाँ भूत अगर शीशे में अच्छा दिखाई नहीं देते, नहीं देते, नहीं देते ना, ना। तो तैयार कैसे होते हैं? यार ये भी नहीं पता। तेरे को पता क्या? ये बता दे, तेरे को तेरा आधार कार्ड का नंबर पता है? वो ही बता दे। तेरे को पता है तेरा? फोन फोन गंदा मत बोलिए, मैं फोन काट भी सकता हूँ। काट दे। काटू मैं। अगला सवाल, हेलो, अगर मेरा भाई 11:59 से 12:01 तक पैदा हुआ है, अच्छा, तो पंडित जी पूछ रहे हो संडे में हुआ या मंडे में, उनका कुंडली बनाना है। तेरी आपके फोन में लाल बटन है? नहीं है। तो लगवाना है, इसलिए तू काट नहीं रहा फोन, लगवा इसको। बस बजट फेंक के मारूंगा सर पे। ये ले। मारूंगा तेरा बजट। गंदा नहीं, तू मार ही नहीं सकता। जिसके में लाल बटन नहीं है उसके पे बजट क्या होगा? ये टच वाला है। सो कीप इन टच। ओके 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 बाय। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning number one bear on the run. Morning number one bear on the run. Morning number one bear on the run. Morning number one bear. एक बार फिर बजा। बहुत सारे बैंकों से हम लोगों को कॉल्स और एसएमएस आता है कि हमारे से कार्ड ले लो, हमारे से लोन ले लो, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट कम है। तो इसी बात पे हमने जरा एक भाई साहब, हेलो, बैंक से बात करी रहती है। मैं वो लोग समझ आऊंगा आपसे दो मिनट लिए, क्या सही समय आपसे बात करने का? सही समय बताओ। अंग्रेजी में बात करने के लिए एक दबा, हिंदी के लिए दो दबा सकते हैं। कौन बोल रहा भाई? आप दबाइए तो। भाई क्या दबाया, हम समझ नहीं आया, मुंह से बोल के दबाना होगा। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको जरा होल्ड पे डालूंगा। ये हेलो, हेलो जी, हाँ साहिल जी, हाँ बोल रहा हूँ। तो ये जो अकाउंट नंबर आपने बताया, XXXXXXX672, एक सेकंड जानकारी, एक मिनट आपको होल्ड पे डालना चाह रहा हूँ। वापस से साहिल जी, क्यों टाइम खराब कर रहा है हमारा? टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ, आपको ज्यादा जानकारी के लिए मैं दो मिनट होल्ड पे डालना चाहूंगा। क्षमा चाहेंगे आपको होल्ड पे डालने के लिए। हाँ। है क्या बोलिए? बता, तू बता, तुझे फोन किया, तू बताएगा मैं बताऊंगा। ठीक है, एक सेकंड, मैं दो मिनट आपकी जानकारी, एक मिनट होल्ड पे दे रहा हूँ। समझ रखा है, सुबह सुबह फोन करके दिमाग खा रहे हो, बैंक से बोल रहे हो। नहीं नहीं, डबल एक्स ट्रिपल एक्स फिर डबल एक्स, बताऊँ तुझे, डबल एक्स ट्रिपल एक्स गलत। एक सेकंड, 672 होल्ड पे चढ़ा जा रहा बार बार ये म्यूजिक सुना रहा, आधे घंटे से बज रखा है क्या? अच्छा, म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा आपको? हाँ म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा, दूसरा म्यूजिक चेंज करते हैं ना। एक मिनट, आपको एक सेकंड के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड पे रहने के लिए शुक्रिया, आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था, अगर आपकी बारी यहाँ पे फोन किया तो मार दूंगा, परदेसी परदेसी। आप गंदा बोल रहे हो, मैं दो मिनट के लिए आपकी जानकारी के लिए आपको होल्ड पे रखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे फोन करके अगर मेरी सोच रहा है ना, तो हम बैंक से ही बोल रहे हैं, हमें ऊपर से आदेश आया है। क्या आदेश आया ऊपर से? आपने देखा नहीं, बैंक का इंटरेस्ट कम हो गया है। अच्छा, तो अब हमको तो इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हम टाइम पास ही करने बस। गंदा बोल रहे हैं। India's number one RJ Ronak ने बउआ बनके आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfmindia.in, सुपर हिट्स 93.5 Red FM, बजाते रहो।
Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning number one band, एक बार फिर बजाओ। दूध का दाम 2 रुपए बढ़ा दिया, प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ा दिया। और ये सिर्फ दाम नहीं बढ़ा है, ये हमारे देश के वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर एफएम बोले तो एक्चुअली मैं एफएम बोले तो फाइनेंस मिनिस्टर, हाँ उनके खिलाफ साजिश है ये 2 रुपए बढ़ाना। एक सेकंड, ये 2 रुपए दाम को तुम फाइनेंस मिनिस्टर से कैसे कनेक्ट कर रहे हो? मैंने किया ना कनेक्ट, अंकिल के मजे भी लिए। जरा सुनिए अंकिल, बजाओ जरा इस वाले। हेलो, नमस्कार जी। भाई साहब कौन बोल रहे भैया? भैया जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा था। किससे बात करने भाई? देखो कर तो मैं किसी से भी सकता था, लेकिन जिसका होता है कनेक्शन भाई मैं हवा कर आवाज कट रही है। भैया 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 हाँ बता। 1 मिनट लगूगा भैया, बात खत्म हो जाएगी। हेलो, हाँ तो सुनिए, देखो एक दूध की कंपनी ने 2 रुपए बढ़ा दिया प्रति लीटर दूध। हाँ फिर क्या हो गया? तो बढ़ा दिया तो ये सिर्फ दूध नहीं बढ़ाया, आप इसके पीछे का समझने की कोशिश करो। क्या बढ़ा दिया फिर? ये हमारे जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ एक साजिश है ये। तो क्या साजिश है बता? वही बता रहा हूँ मैं, जैसे सपोज दूध का दाम बढ़ा, अब दूध बढ़ेगा तो लोग दूध लेंगे नहीं। अरे भाई दूध तो एक बार सुन लेना, सुन भाई मेरे को तो पूरा कर लें दे, या तू ही बोल ले, समझ नहीं रहा है, बोल नहीं दे रहा है। सॉरी, तो देखो दूध बढ़ेगा तो दूध का दाम बढ़ेगा तो आदमी पनीर नहीं ले पाएगा। अच्छा। अब पनीर अगर किसी काम का नहीं है तो पनीर की वजह से मटर भी किसी काम का नहीं रहेगा। एक सेकेंड, और अगर मटर नहीं कोई खरीदेगा तो किसान क्या उगाएगा? अरे किसान क्या? एक सेकेंड, और अगर किसान को हम दरकिनार कर रहे हैं तो देश की अर्थव्यवस्था में किसान का बहुत बड़ा योगदान है, और देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी है वित्त मंत्री से, और वित्त मंत्री के पास हेलो हाँ बता बता अब रक्षा मंत्रालय भी चला गया है, एक आदमी जिसके ऊपर ऑलरेडी दो भार है, आप दूध का दाम बढ़ा के उसका वो कर रहे हो। रक्षा मंत्री से ना आप बंदूक लेके दो गोली गलत बोल रहे आप। अच्छा सुनना, एक सुन, दूध से पता है पनीर कैसे बनता है? बता बता बता। दूध को एक भगोने में लेके अंधेरे कमरे में रख दो, रात को अंधेरे कमरे, वही बता दो, रात को 2 बजे जाओ अंधेरे कमरे का दरवाजा खोलो, दूध अंधेरे कमरे में बैठा हुआ भगोने में, पीछे से जाके दूध को बोलो भाओ, फिर उसके बाद पता है क्या होगा? क्या होगा? दूध को डराओगे जब आप भाओ बोल के तो दूध की फट जाएगी, जैसे दूध फटेगा पनीर बन जाएगा। इंडियाज नंबर वन आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfmindia.in, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। IFFCO Tokyo General Insurance and Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning number one band, run that. Morning number one band, run that. Morning number one band, run that. Morning number one band, एक बार फिर बजाओ। भाई दुर्गेश फोन करके बउआ को टॉपिक देते हैं और कहते हैं कि जब भी संगीत निकलता है तो कहीं दर्द होता है तभी निकलता है, आखिर ये दर्द होता कहाँ है? बउआ ने इस पे क्या मजे लिए सुनिए। हेलो नमस्कार अंकिल, मैं बउआ बोल रही हूँ। मैं जाना नहीं भाई, और मैं अंकल नहीं बोल रहा है, पीछे क्या बज रहा है? ये पीछे एक बड़े ही महान संगीतज्ञ बैठे हमारे साथ, नाम है डगलस ब्राउन। सब आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप म्यूजिक में इंटरेस्ट है आपका? गाने वाने सुनते तो हैं? थोड़ा सुनते हैं, ऐसा नहीं सुनते। पहली बात तो मैं जानता नहीं हूँ, ढंग से बता कौन बोल रहा है, पीछे कौन बकवास कर रहा है। एक सेकंड, हम कह रहे जो संगीत होता है ना वो दर्द से निकलता है, आप मानते हैं इस बात को? मानता हूँ, खुशी से भी तो निकलता है संगीत। नहीं बट अगर हम सिर्फ दर्द पे फोकस करें राइट नाउ, अच्छा जल्दी करो, तो अगर मानते हैं आप भी कि संगीत दर्द से निकलता है, तो
तो अगर डगलस जो संगीत निकाल रहे हो उनके कहाँ दर्द है जो संगीत निकाल रहे हैं? तो एक सेकेंड मैं पूछता हूँ आपके कथनानुसार मैं पूछता हूँ डगलस बेटा, काकोरी गाते हुए आप हमें बताइए क्या आपकी नाक में दर्द उड़े? नाक में नहीं नाक में नहीं, एक सेकेंड तो क्या दांत में उड़े? दांत में भी नहीं। दांत में भी क्या उसे कान में हो जाए? कान में भी नहीं। फेफड़े में हो जाए? एंजॉय की क्या हो गया टेगलेस, रुक क्यों गए? हेलो गाँव में नहीं दुकान, ये क्या बोला आपने? गाँव में दुकान, गाँव की बात नहीं कर रहा हूँ, की बात कर रहा हूँ। दांत पे मुक्का मारूंगा, उसके नीचे मारूंगा ना, फिर आवाज आएगी वहाँ पे। बस कर ऐसा है, दांत में सफेदी का ब्रश।